मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद जिले में आबकारी और राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम अवैध शराब बनाने वालों पर कार्यवाही के लिए सक्रिय हो गई है। जगह जगह छापामार कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब जब्त की जा रही है। मंगलवार की रात को भी इस तरह की कार्यवाही कर शराब नष्ट की गई। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा के कुछ बंदिया मोहल्ले में शनिवार को आबकारी और प्रशासनिक अमले ने दबिश देकर अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब और महुआ लाहन जब्त किया है। कुछ बंदिया मोहल्ले में जैसे ही टीम दबिश देने पहुंची तो पुलिस को देखकर वहां मौजूद महिला चलती शराब भट्टी को छोड़कर भाग निकली। पुलिस और आबकारी की टीम ने यहां लाहन के साथ कच्ची शराब जब्त की। वही शराब बनाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध रूप से सड़क किनारे मकान बना लिए गए थे, जिसे एसडीएम अखिल राठौर के द्वारा ने उपस्थिति में जेसीबी से धराशायी करवा दिया गया। एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अवैध रूप से शराब बनाने वालों पर कार्यवाही के निर्देश हैं, जिसके चलते कार्यवाही की जा रही है। साइकिल बड़ी कैमरा मैन उल्टा पकड़ रहा सामने गया रे गया रे गया रे लगा तो मत लगना भैया।
से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, संपूर्ण प्रदेश में शराब माफिया और इनसे जुड़े अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाना है। इसी तारतम्य में यहाँ पर काफ़ी सारी लहान देसी शराब, 200 किलोग्राम देसी लहान अभी हमारे द्वारा बरामद की गई है और 50 लीटर करीब दारू बरामद की गई है। उसमें ये लोग कार्रवाई जारी है और यहाँ पर ये अहाता बनाया गया था अवैध रूप से इनके द्वारा नाली के ऊपर, उस अहाते को जेसीबी से हटवाया जा रहा है।